Welcome to the Ved Mishra classes, and today is a class for the tally student, and today is a topic of rule of DR and CR. देखिए दोस्तों, हमने 5 आइटम्स जो थे अकाउंट्स के वो समझ लिए थे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये 5 आइटम हमने समझ लिए। अब दिक्कत ये होती है यार कि हम DR CR किस तरह कर पाएं। अब DR CR होता क्या है, ये बहुत कंफ्यूजन की बात होगी, ये कौन सी बला है ये भी समझ में नहीं आती। तो सिंपल सादी सी बात है, हमें ज़्यादा इसके ऊपर उलझना नहीं। DR CR कुछ नहीं होते, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, DR CR कुछ नहीं, अकाउंट के दो हैंड। अकाउंट के क्या हैं, दो हैंड। राइट हैंड को कह दिया जाता है DR, लेफ्ट हैंड को कह दिया जाता है CR। खाली हमें ये पता लगाना, ये 5 आइटम के अंदर जो आइटम्स आएंगे वो DR CR कब होंगे और किस सिचुएशन में होंगे, किस मैटर में होंगे, ठीक है ना। अब कोई आइटम, कोई कहीं से सामान खरीदा, कोई एसेट खरीदे, कोई खर्चा कर दिया, अब वो खर्चा पे भी कर रहे हैं आप, तो उसमें से दो आइटम्स जो निकलेंगे, देखिए हर एक एंट्रीज, कोई भी लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, उसमें से दो चीज़ें तो निकल के आएंगी। मान लीजिए कोई दूध खरीदने गया मार्केट में, तो दूध तो आया मेरे पास, उसके रेफरेंस मैंने क्या किया, पेमेंट्स करी। मान लीजिए मैंने कहीं कंपनी में गया, तो वहाँ पर मैंने लैपटॉप खरीदा किसी दुकान से, तो पैसे दिए होंगे और लैपटॉप खरीदा होगा, तो एक चीज़ आए एक चीज़ जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखिए एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ कम होगी, समझ बात को। हमें ये पहचाना वो कौन, जो चीज़ बढ़ रही है जो चीज़ घट रही है वो कहाँ पर होगी DR और कहाँ पर होगी CR, और क्या उसका रूल है, समझ बात को। गोल्डन रूल्स एक आप कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी चीज़ DR और CR होगी, और एक आपका मॉडर्न रूल है, ऐसे लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इन सब चीज़ों में उलझेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक ईजी तरीका बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंसेस जो कहता है, अधिकतर जो मैंने अकाउंटिंग करी है एज ए अकाउंटेंट, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जो चीज़ बढ़ेगी मैक्सिमम चांसेस में ये होता है, ऐसा नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में यही होगा, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, जो चीज़ बढ़ती है वो DR होती है, जो चीज़ बढ़ती है DR होती है, और जो चीज़ घटती है CR होती है। सपोज दैट मैंने क्या किया, परचेज अ मशीनरी फ्रॉम द कैश, मैंने क्या किया मशीनरी खरीदी, मशीनरी मेरे पास आएगी और उसके रेफरेंस मैंने पेमेंट करी होगी, क्या की होगी पेमेंट, तो मशीनरी मेरे पास आई तो मशीनरी इज DR, CR क्या होगा हमारा कैश। अब मान लेते हैं ये समझ में आया, तो जो चीज़ आया DR, जो चीज़ गया CR, तो मशीनरी मेरे लिए क्या है DR और CR क्या है कैश, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एंट्री और समझते हैं, पेड सैलरी इन कैश, हमने सैलरी पे करी। अब अपने ऊपर सोचना है, हमें ये नहीं सोचना कि भैया हम पे करें, हमें ये सोचना है कि मैं पे कर रहा हूँ, एज ए हर जगह हमें रखना है, तो हम उस एंट्री को पास कर पाएंगे। इसको समझना है थोड़ा सा, तो देखिए पेड सैलरी इन कैश, तो सैलरी हमने पे करी, कैसे करी कैश करी, सैलरी हमारे लिए है क्या, हम पे कर रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए जिस वर्ड के आगे क्या आ जाए पेड, तो आपका क्या है खर्चा, और जिस वर्ड के पीछे क्या आ जाए रिसीव, तो आपका क्या है इनकम। तो पेड सैलरी क्या है आपके लिए, पेड सैलरी क्या है आपके लिए खर्चा है, क्या है खर्चा है, तो जब सैलरी पे करेंगे तो क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सैलरी आपके लिए क्या है खर्चा, आया खर्चा बढ़ गया ना, क्योंकि उतने का अमाउंट आप पे करेंगे, तो सैलरी क्या है DR, क्योंकि वो बढ़ गया खर्चा, और क्या पे करेंगे कैश, चला जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर जो चीज़ जाएगी CR, जो चीज़ आएगी वो DR, अगर एक चीज़ को पकड़ लिया ना दूसरी चीज़ अपने आप दूसरी चीज़ होगी। सपोज लीजिए मैंने मान लिया जैसे कैश पे कर रहा था मैं सैलरी में, तो कैश तो चला गया ना, तो DR क्या होगा मेरे लिए सैलरी होगा, समझ में, तो सैलरी DR और कैश CR। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पेड कमीशन, अब कमीशन हम पे कर रहे हैं, कमीशन भी वही चीज़ होगी, कमीशन हम पे कर रहे हैं कैसे कैश में, तो कैश जाएगा कमीशन आएगा, समझ में आया बात को अच्छे से। चलो एक और एंट्री लेते हैं, रिसीव सैलरी इन कैश 10,000, अब सैलरी आपको मिल रही है सर, अब आप पे नहीं कर रहे, अब आपको मिल रहा है, मुस्कुराइए सर, देखिए तो सैलरी जब आपको मिल रही है तो आपके पास आएगी सैलरी, सैलरी आएगी आपके पास किस सोर्स से आएगी, पैसा आएगा ना, सैलरी आएगी पैसा आएगा, तो पैसा आएगा सर सैलरी के रूप में, तो पैसा ही आएगा ना, सैलरी नाम है, आपने मेहनत करी तो उसका एक नाम दे दीजिएगा, सैलरी आपको मिलनी है, कमीशन आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन क्या सोर्स है उसका, मनी का सोर्स है, तो मनी आपके पास आएगा तो इंक्रीज हुआ मनी, पैसा आ गया तो क्या होगा DR, लेकिन सैलरी क्या होगी CR होगी, क्योंकि उसका यूजमेंट आप कर चुके एज ए अमाउंट, ठीक है ना। तो कैश DR और CR क्या होगा सैलरी होगा, सैलरी रिसीव, क्योंकि सैलरी आपको रिसीव हो रही थी, रिसीव वर्ड इनकम जैसा मैंने बताया, ठीक है। हम मान लेते हैं रिसीव रेंट इन कैश, अब आपको किराया रिसीव हो रहा है किस चीज़ का, घर का 1,000 रुपये नगद में, तो आपको किराया तो रिसीव हो रहा, तो रेंट नहीं होगा DR, क्या होगा कैश होगी, कैश
रेंट की जगह पे क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू है, कैश। तो कैश आपके पास आया, जेब में रख लिए पैसे आपने, तो क्या हुआ, डीआर, ठीक है ना। और रेंट क्या होगा, सीआर, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए आप समझ लीजिए मैं आ गया आप लोगों। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेड लोन 10,000 rupees इन SBI, हमने लोन की पेमेंट कर दी SBI को 10,000, ठीक है ना, 10,000 का हमने लोन लिया होगा, तो उसके हमने पेमेंट कर दी, तो पैसा हमारे पास से गया और लोन क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी है, तो क्या चीज आई, लोन आया, ठीक है ना, और पे क्या कर रहे हैं, पैसा, तो पैसा चला गया, लोन आ गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल थे एज ए बेसिक जो आप आइडेंटिफाई कर पाएं, लेकिन हर जगह यही फॉलो नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप गोल्डन रूल या फिर मॉडर्न रूल का यूजमेंट कर पाएं। नहीं हो पाता तो यू कैन कॉल मी, आई कैन हेल्प यू।